नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लेट्स डू योगा। और आपके साथ मैं हूँ वृक्षा। इस शो का मकसद है कि हम अलग अलग जो हैं आपके लिए आसन और एक्सरसाइजेस लेकर आते हैं ताकि आप एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जिए। अभी तक हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स पर बात की है जिस पर आपको अलग अलग आसन और एक्सरसाइजेस बताई हैं, जिसमें माइग्रेन, सर्वाइकल, सिर दर्द, एयर प्रॉब्लम, थाई पेन, ज्वाइंट पेन, हिप पेन और भी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर जो है वीडियो जो हैं अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे प्लेलिस्ट लेट्स डू योगा में जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही आज जिस मुद्दे पर बात होगी वो होगी बेली फैट पर। काफ़ी लोग जो हैं आजकल बेली फैट यानी कि पेट का मोटापा उससे जूझ रहे हैं और अलग अलग कुछ लोग जो है मेडिकेशंस लेते हैं टू रिड्यूस बेली फैट की जो है अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा मेडिकेशंस भी हमारे जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो इसी पर है कि बेली फैट को जो है अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू कैसे दूर किया जाए, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट आसन होंगे जो आप कर सकते हैं ताकि आप बेली फैट को जो है दूर कर सकें। सबसे पहले जो हम आसन करेंगे वो करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक हम सभी करते हैं, बॉडी को जो है कोर स्ट्रेंथ जो है कोर मसल्स की बढ़ाता है। तो सबसे पहले आप जो है पेट के बल जो है लेट जाएं, इस तरह से आपको इस तरह से लेट जाना है। अब क्या करना है, आपकी जो बाजुएं हैं उनको इस तरह रख लेना है यूं, और पीछे से जो हमारे पैर हैं वो सीधे रहेंगे उंगलियों के ऊपर। जो है अब हमने पूरी बॉडी को जो है ऊपर उठाना है एक स्ट्रेट लाइन में। गहरी सांस लेते हुए बॉडी को उठाएंगे इस तरह और सामने की ओर देखेंगे। रिलैक्स वापस आ जाएंगे। जो भी आप करेंगे तो आप इसको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं अपने प्लैंक को। एक बार फिर से करेंगे, वापस आ जाएं सुखासन में। तो ये जो हमने किया था प्लैंक पोज। प्लैंक जो है काफ़ी बढ़िया होता है, बेली फैट के लिए भी बढ़िया होता है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, बाजुओं की स्ट्रेंथ है, आपके जो अब्डोमिनल स्ट्रेंथ है उसको ये है इंक्रीज करता है। अब इस कड़ी में जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो करेंगे पवन मुक्त आसन। बेली फैट के लिए काफ़ी कारगर जो है ये साबित होता है, लेकिन इसके लिए आपको जो है पीठ के बल लेटना है इस तरह से। पहले लेट जाएं, सबसे पहले जो अपनी लेफ्ट लेग है उसको क्लच करें और आगे की ओर लेकर आएं। उसके बाद राइट लेग जो है उसको क्लच करें और आगे की ओर लेकर आएं। आप दोनों लेग्स को पकड़ लें और जो अपने घुटने हैं उनको जो है अपनी नाक से जो है अपने घुटनों को टच करना है। दोनों को पकड़ लें और यू रिलैक्स। आप जो है इस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स हो जाएं शवासन में। एक बार फिर से करेंगे, शवासन में रिलैक्स कुछ देर के लिए यहां पर रहें और वापस सुखासन में बैठ जाएंगे। ये हमने किया पवन मुक्त आसन। बेली फैट के लिए बहुत ही बड़ी है। जब आप अपने घुटनों को जो है क्लच करते हैं आगे की ओर लेकर आते हैं तो जो है आपके बेली फैट जो है वो कम होता है। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो करेंगे चक्र आसन। चक्र आसन के लिए आपको पहले पीठ के बल लेटना है और अपनी बॉडी से जो है एक व्हील पोज, इसको हम बोलते हैं व्हील बनाना है। तो पीठ के बल पहले लेट जाएं इस तरह से, घुटनों को अपने इस तरह उठा लें और जो आपके हाथ होंगे वो, अगर ये आपका सीधा हाथ है तो ये इस तरह घूमते हुए इस तरह इस पोजीशन में होगा, ठीक है। दूसरा हाथ भी ऐसे रहेगा इस तरह से। अब आपको जो पूरी बॉडी है उसको ऊपर उठा लेना है। तो गहरी सांस लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठा लें यूं। वापिस आ जाएंगे शवासन में। एक बार फिर से करेंगे, जितनी देर आपसे होल्ड होता है व्हील पोज में उतनी देर आप 5 से 10 सेकंड, 5 से 7 सेकंड आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है।
रिलैक्स, इस पोजीशन में शवासन में रिलैक्स करें और वापस आ जाएं। तो ये था चक्र आसन, यानी कि व्हील पोज, बेली फैट के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो देन आपको अब देखेंगे कि आपका जो बेली फैट है दिन ब दिन कम होता है। अगर आप भी बेली फैट से जूझ रहे हैं तो इन आसन्स को आप शामिल कर सकते हैं वर्कआउट में, ताकि आपको बेली फैट से जो है राहत मिल सके। कोई भी मेडिकेशंस अगर नहीं लेनी है, योग से जो है खुद को कैसे फिट रखा जाए, क्योंकि यही हमारे शो का मकसद है। तो आज का ये एपिसोड था बेली फैट के ऊपर। आप किस प्रॉब्लम पर, किस मुद्दे पर जो है इस शो को चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़ रहे हैं पंजाब केसरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।